हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, कोष्टक चार का चार कोष्टक बंद का स्क्वायर इंटू 1/64 का स्क्वायर कोष्टक स्क्वायर प्लस 10, तो ये हो जाएगा 4 की घात 4। ये हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई 4 की घात 8 इंटू 1/64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 की घात 3 का स्क्वायर, 4 की घात 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 की घात 6, 4 की घात 6 का स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा 4 की घात 8 इंटू 4 की घात -6 का स्क्वायर प्लस 10। 4 की घात 8 में से 4 की घात 6 चली जाएगी, तो ये बचाएगा 4 की घात 2, 4 की घात 2 का स्क्वायर प्लस 10, तो 4 की घात 2 जाएगी, 4 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 10 बराबर 266। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, 1000 किमी की दूरी तय करने के लिए बिनॉय और केरो द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 15:16 है, उनकी गतियों का अनुपात उस समय बराबर कितना 15:16, समय का अनुपात हो जाएगा 15:16, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 16:15। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत भार 30, तो पहले 4 × 30 ग्राम 120 ग्राम, जबकि 6 कड़ों का औसत भार 31 ग्राम, तो हो जाएगा 186 ग्राम, उनका टोटल वजन हो जाएगा 186 और 120, 186 और 120 306 ग्राम, 306 बटा 10, ये हो जाएगा 30.6 ग्राम। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड को की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया, बोर्ड का क्षेत्रफल में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 3% बढ़ाने में लंबाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 − 3 × 3 − 3 − 3 × 3/100, तो ये हो जाएगा 3 − 3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.9, तो ये हो जाएगा 0.09% की कमी। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी आकृति कितनी होगी, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो, तो घन का विकिरण कितना है 7√3, घन का विकिरण होता है √3 बराबर 7√3, रूट से रूट चला जाएगा, a बराबर 7 मतलब घन की भुजा, तो घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 3.5, ऊंचाई निकालना है और घन का आयतन हो जाएगा 7 × 7 × 7, 7 से 7 चला गया, h = 7 × 7/3.5, ये चला जाएगा इससे 2 बार, h = 14 सेंटीमीटर।
आगे देखे स्टूडेंट्स, छठवा क्वेश्चन, सरल कीजिए रूट 19.36। तो ये हो जाएगा रूट 19.36 बटा 100 प्लस रूट 744 बटा 100 भाग 2। ये हो जाएगा 44 बटा 10 प्लस 88 बटा 10 भाग 2। ये हो जाएगा 4.4 प्लस 8.8 भाग 2। ये हो जाएगा 8.8। आगे देखें स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, 4600 रुपये को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली और आधी राशि का शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया। शेष बची राशि कितनी है? तो 4600, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 और आधी राशि 1/2। 4600 × 8 × इधर कुछ नहीं, 20 से 20, 8 × 5 = 40। 4600 × 40 ये हो जाएगा 1840। 1840। तो ये हो जाएगा पूरी राशि 4600 प्लस 1840 बराबर पूरी राशि हो जाएगी 6440। अब इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो वो राशि हो जाएगी 3220। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है। अक्ष को 42 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा? तो संख्या हो जाएगी 42 प्लस 13 बराबर हो जाएगी 55। उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर, तो 55 को 14 से विभाजित करने पर 14 × 3 = 42 कितना शेष बचेगा? 13। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, एक बॉक्स में रखे गए 95 नोटबुक को का औसत भाग भार 95 × 9.5 हो जाएगा ये 902.5 kg। एक नोटबुक और बढ़ गया तो ये हो जाएगा 96, इसका हो जाएगा 9.6। 96 को 96 से मल्टीप्लाई करेगा करने पर 921.6 kg। तो 921 में से 902 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 19.1 kg एक नोटबुक का। आगे देखे स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 2047, खराब कितना निकला? 100 - 11% 89। 2047 भाग 89 इंटू खराब उत्पाद 11। तो ये इससे चला जाएगा दो बार फिर 3 223 × 11 बराबर 253। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति आवर 30 किलोमीटर प्रति आवर गति से यात्रा करता है, उसकी औसत यात्रा, तो उसकी औसत यात्रा हो जाएगी 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, तो 3 × 20 × 3 × 20 × 24 × 30 बटा ये हो जाएगा 480 प्लस yz, ये हो जाएगा 720 प्लस 600, ये हो जाएगा ऊपर
हो जाएगा 3 × 20 × 24 × 30 बटा 6 × 4 = 10, 1080, 1100, 1100 और 700, 1800, 1800, 1 2 0 से 2 0, 6 3 18, 6 4 24, 3 से 3 बार, 3 × 12 बार दूना 24 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन। एक दुकानदार एक उत्पाद को 819 रुपए में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है, मतलब 8 से 12.5% अपन समझते हैं 1/8, तो 8 से 9, तो 819/9 × 8 का इसके लागत मूल्य का आधा तो 1/2, तो ये हो जाएगा इससे 4, 9 से 9 नाम 81, 9 × 1 = 9, 91 × 4, 4 × 4, 9 × 4 = 36, 364 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या को 6 गुना करने पर इसकी पूर्व परिधि की कितना गुना बढ़ जाएगी? तो परिधि होती है 2πr, r एक बार होता है, 6 गुना करने पर ये हो जाएगी 6 गुना, क्योंकि r एक बार होता है, अगर स्क्वायर होता है तो 36 बार हो जाती, अगर क्यूब होता है तो 216 बार, पर ये r एक बार है तो ये 6 बार हो जाएगी। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 32% की बढ़ोतरी करके 32% की बढ़ोतरी करके उसके अंकित मूल्य पर 32% की छूट रखता है, तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? तो अगर वस्तु का मूल्य कितना है, 100 है, तो उस पर 32% की बढ़ोतरी, 32% ये हो जाएगा 132। अब उस पर 32% की छूट -32%, तो 132 बराबर है, तो अपन को चाहिए 68 बराबर, तो 68 132 × 68, 8 × 2 = 16 का 6 × 8 = 1, 1 × 8 = 24, 1 × 25 = 5 × 2, 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 10, ये हो जाएगा 6 × 12 = 2 × 1, 1 × 6 = 78 और 1 × 79, 6 × 7 = 9, 8, ये हो जाएगा कितना, 89.76। तो पहले 100 था, 100 में से 89.76 चला जाएगा, 100 में से 89.76 चला गया जाएगा, तो ये 10.24% की हानि। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन। सरल कीजिए 4 / 4 की घात का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 / 1/4 का स्क्वायर, प्लस इसका मान हो जाएगा 9, इसका मान हो जाएगा 5, 4 × ऊपर चला जाएगा, तो 16 + 9 + 5, 16 × 64 + 9 + 5, 16 × 64 + 9 + 5 = 78। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन। एक थैले में 12:13:11 के अनुपात के भिन्न में पुराने सिक्के हैं, 12:13:11, ये 3, 4 और 25, मूल्य 3, 4 और 25 है, 3, 4 और 25, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, तो ये हो जाएगा भारतीय 36 + 13 = 52 + 11 = 55, तो सिक्कों की संख्या हो जाएगी 143। तो पूरे कितने रुपए हैं, 5 रुपयों की संख्या हो जाएगी 143, पूरे कितने हैं, 572 / 143, कितने रुपए की पूछे अपन को, 3 रुपए की, 3 रुपए का अनुपात कितना है, 12, तो ये किससे चला जाएगा, तार बार, तार इंटू 12, 12 चौक 48,
रुपया। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, 1/9 भाग 1/9 भाग 1/9 भाग 1/9 भाग 1/9, तो 1/9 × 9 × 9 × 9 × 9, तो ये चला जाएगा 9 की घात 3, 9 की घात 3 होती है 729। आगे देखे स्टूडेंट 18वां क्वेश्चन, 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों के बीच बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं। 480, तो 480 का अपन को निकालना है, 480 का एक बार इसको वो करना है, तो 480 में 2 का भाग दिए 240, 240 में 2 का भाग दिए 120, 120 में 2 का भाग दिए 60, 60 में 2 का भाग दिए 30, 30 में 2 का भाग दिए 15, 15 में 3 का भाग दिए 5, 5 में 5 का भाग दिए 1, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 × 3 की घात 1 × 5 की घात 1, ये हो जाएगा 5 × 5 + 1 + 1 + 1 + 1, 6 × 2 × 2, ये हो जाएगा इसका 24 तरीका। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाएगी, 3 वर्ष में कितनी 2 गुनी, तो यह कितने वर्ष में अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी, तो 2 की घात कितनी है 4, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 = 12 साल में 16 गुनी। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, कर्मी अपने सामान्य गति के 6/7 से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है, वह चलने वाला 6/7 से 7 में चल रहा है, तो 14 मिनट अधिक लग गए, तो 1:14, तो सामान्य 14 × 6 = 84 मिनट, 1 घंटा और 24 मिनट। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति हावर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 24 किलोमीटर प्रति गति से साइकिल चलाता तो वह 8 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाता, तो 20 से चल रहा है और एक चल रहा है 24 से, तो यह तो हो गया उसका ताल का अनुपात और समय का अनुपात, समय का अनुपात हो जाएगा 24:20, तो ये 4 से 6 बार, ये 4 से 5 बार, 6:5। अब 1 = 9 + 8 = 17 मिनट, 17 मिनट, और 6 × 17 = 102 मिनट लग रहा है उसे पूरी दूरी तय करने में, तो 20 की स्पीड से 102 मिनट तक, और एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 20 + 60 102 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 34 किलोमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, सेम साई श्री और साई का वेतन 7:9:11 में है, सेम साई और श्री 7:9:11 में है, श्री को सेम से 320 अधिक, कितना अधिक मिल रहा है श्री को सेम से, अनुपात में कितना मिल रहा है, अनुपात में कितना है 4, तो साई का वेतन 9, ये चला जाएगा इससे 8 बार 8 = 80, 9 × 8 = 720 रुपया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।